अब रहना पड़ेगा, लेकिन वो ऊपर पहाड़ दिख रहा है, उधर जाना पड़ता है, चढ़ना पड़ता है, थोड़ा मेहनत भी करनी पड़ती है, ऊपर दिख रहा है लास्ट टॉप, यहाँ चढ़ना पड़ता है नेट चला, हाँ हाँ वहाँ जाके फिर नेट चला के तब आना पड़ता है। अगर नाश्ता हमने गढ़वाल में किया था और हमारा लंच हो रहा है कुमाऊं में, देखिए गढ़वाली स्टाइल में पकता हुआ खाना, देखिए गढ़वाली कुमाऊंनी स्टाइल में यहाँ पे चूल्हे में खाना पकता हुआ देखिए। तो दोस्तों देखिए ट्राउट फिश को ऐसा काटा जाता है, जो काफ़ी लोग कह रहे थे कि ट्राउट फिश को कैसे काटे, ऐसे काटते हैं आप देख सकते हो ऐसे भाई इसकी। तो दोस्तों देखिए घर से हमारे लिए आ चुकी है चाय, कुमाऊं की चाय पियेंगे आज, देखिए ये चाय आ चुकी है हमारे लिए, अब चाय का आनंद लेंगे। चलिए आपको ले चलते हैं कुमाऊं मंडल के बागेश्वर के जगथाना गाँव में, जो कि बागेश्वर से काफ़ी दूर है, बेहद दूर है, जहाँ पर कोई नेटवर्क है न कोई सोशल मीडिया से जुड़े हैं यहाँ के लोग, और यहाँ पे काफ़ी बड़ा और सुंदर ट्राउट फिश फार्म खुला है। देखिए वीडियो में क्या क्या होता है, कितनी कमाई होती है यहाँ पे इनकी, जानते हैं खास इनसे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल उर्गम घाटी, मैं आपका हॉस्ट एंड दोस्त उर्गम वासी। आज मैं आया हूँ कुमाऊं मंडल बागेश्वर में, और बागेश्वर के एक गाँव में आए हैं हम जगथना में। मैं आपको बता दूँ यहाँ पर ट्राउट फिश फार्मिंग काफ़ी भव्य मात्रा में हो रही है, काफ़ी बड़ा यहाँ पे ट्राउट फिश फार्म बना रखा है। अभी आपको दिखाएंगे कितना बड़ा यहाँ पे ट्राउट फिश फार्म बनाया गया है, काफ़ी मतलब 30-40 यहाँ पे तालाब बनाए गए हैं। अभी आपको दिखाएंगे, मिलवाएंगे उस शख्स से जो कि मेहनत कर रहे हैं इस तालाब पे, अभी आपको बताएंगे। दोस्तों आप मेरे सामने देख सकते हो, कैमरे के माध्यम से आप देख सकते हो, बागेश्वर के जगथना ग्राम में आप देखिए कितना सुंदर से यहाँ पे ट्राउट फिश फार्म बनाया गया है, यह आप देख सकते हो। तो दोस्तों हम जगथाना में आ चुके हैं बागेश्वर के, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई, भाई का नाम चंदन सिंह दानू है, और इन्होंने काफ़ी अच्छी मेहनत करी है ट्राउट पे, अभी इनसे जानते हैं क्या क्या मेहनत करी। चंदन सिंह दानू है, मैं जगथाना का निवासी हूँ, मैं यहाँ पे मतलब ग्रेजुएशन करके बैठा हूँ, ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा भी लिया मैंने, बीएड कर चुका हूँ मैं, और फिर यहाँ पे पापा लोगों की सहायता के लिए यहाँ पे आजकल खाली वैसे बैठा था, तो मैंने कहा थोड़ा सहयोग कर दूँ, और यहाँ पे पापा लोग 2013-14 से मछली पालन का कार्य कर रहे हैं, और यहाँ पे लगभग 500 रुपये रेट से हम ट्राउट का रेट देते हैं, और जैसे बागेश्वर में भी हमारा उपलब्ध होटल रेस्टोरेंट बना हुआ है, और जो भी मतलब डिमांड यहाँ से दिल्ली लोग खुद यहाँ से ट्राउट के जैसे मछलियाँ ले जाते हैं आइस पैकिंग करके, वो दिल्ली डिमांड मतलब सीधे यहाँ पर आके ले जाते हैं। घर ही पे फार्म खोल रखा है और कैमरे भी लगाए गए हैं, और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने कैमरे क्यों लगाए हैं, थोड़ा बता दीजिए हमारे दर्शकों को। कैमरा इसलिए लगाए हैं कि यहां पे कोई बच्चे अच्छे आते रहते हैं ना, तो उनको भी डर रहता है कि कहीं कोई बच्चे मतलब नुकसान ना कर दें, और कोई तालाब में चले जाएगा गिर जाएगा तो वो भी डूब सकते हैं, या मतलब कुछ इस प्रकार के मतलब चोर ओर का भी डर ना रहे, मतलब रात में उल्लू उल्लू का भी देखने के सही रहता है इसमें, देखो फिर पक्षी जो भी आते हैं उनको भी भगा सकते हैं उसको देख के। और अभी तक आपकी कमाई कितनी हुई है इस फार्म से? थोड़ा लगभग 10-12 लाख हो गया होगा जब से हम काम कर रहे हैं, मतलब साल भर का लगभग सालाना 1-1.5 लाख मतलब इनकम है मतलब इसमें। देखिए घर से हमारे लिए आ चुकी है चाय, कुमाऊं की चाय पियेंगे आज, देखिए ये चाय आ चुकी है हमारे लिए, अब चाय का आनंद लेंगे। ये देखिए तो दोस्तों देखिए हम ट्राउट फिश फार्म में है, और बागेश्वर जगथाना में देखिए सभी हमारे जितने विजिट करने आए हैं सभी चाय का आनंद लेते हुए, देखिए कुमाऊं की चाय का आनंद सब ले रहे हैं, और मेरे पीछे आप देखिए बहुत बड़ा ट्राउट फिश फार्म है आप देख सकते हो। तो देखिए भाई हमारा मच्छी निकालता हुआ, देखिए आज हम मच्छी भात यहीं खाएंगे भाई के यहाँ, भाई और निकाल रहा है। तो दोस्तों देखिए भाई ने अलग अलग जाली नेट बनाए हैं बड़ी पकड़ने के लिए, जो बड़ा तालाब है उसमें से बड़ा नेट डालेगा, और जो छोटे तालाब बना रखे हैं भाई ने उसके लिए बड़ी नेट का प्रयोग करता हुआ देखिए। तो दोस्तों देखिए भाई मच्छी निकाल रहा है क्योंकि आज हमारा मच्छी भात यहीं होगा, ये देखिए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे निकल चुकी है ट्राउट फिश, अभी हमारा लंच होगा इसका, देखिए मच्छी भात होगा अभी बागेश्वर में। तो दोस्तों देखिए ट्राउट फिश को ऐसा काटा जाता है, जो काफ़ी लोग कह रहे थे कि ट्राउट फिश को कैसे काटे, ऐसे काटते हैं आप देख सकते हो ऐसे भाई इसकी हाथें निकालेगा, अभी देखिए इस तरीके से ट्राउट फिश को काटा जाता है आप देख सकते हो। ये देखिए
देखिए भाई अपने फार्म में मेहनत करता हुआ है, देखिए ये देखिए दोस्तों भाई अपने फार्म पे मेहनत करता हुआ चंदन भाई, ये देख सकते हो काफ़ी मेहनत कर रहा है। देखिए दोस्तों, देखिए चंदन भाई का घर है और घर ही के पास में यहाँ पे इन्होंने ट्रॉट फिश फार्म खोला है और काफ़ी अच्छा यहाँ पे बनाया है इन्होंने, आप देख सकते हो। दोस्तों देखिए यहाँ पे है माताजी चंदन जी की और इनसे भी जानते हैं, ये भी कितनी मेहनत करती है फार्म पे, इनसे भी जानते हैं खास। क्या कहूँ मैं, कहो कुछ फार्म के बारे में अपने। काम रात दिन चलते रहे हम। मतलब आप मतलब क्या क्या करते हो, मतलब जैसे क्या क्या मदद करते हो यहाँ पे? सब कुछ करती हूँ, लेबरी भी करती हूँ, मच्छी पालन भी करती हूँ, सफाई भी करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, घर की काम भी करती हूँ, सब करके फायदा है। ठीक है, अपने के लिए करते हैं ना, इतना ही अब बेचेंगे, ज़्यादा लग रही है, 4-5 किलो तो लेगा ना भैया, आधे किलो से ऊपर है, ज़्यादा है, कोई करोड़ भी है, कोई ज़्यादा नहीं। तो दोस्तों देखिए जगथाना बागेश्वर कुमाऊँ के घर देख सकते हैं आप, सुंदर नज़ारे कुमाऊँ के, आप देखिए सुंदर खेतों में यहाँ पे देखिए गेहूँ जो हो चुके हैं तैयार अभी हमारे यहाँ छोटे छोटे। तो दोस्तों मेरे सामने देखिए सुंदर सा नज़ारा बागेश्वर के जगथाना गांव का देखिए, और यहाँ पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, यहाँ पे हम मच्छी भात खाएंगे। हाँ, मैंने अभी आपको ट्रॉट फिश फार्म दिखाया चंदन भाई दानू का, आप देखिए, और यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पे हम मच्छी भात खाएंगे, वहाँ से हम मच्छी लाए हैं, यहाँ पे मच्छी भात खाएंगे। ये देखिए सुंदर सा रेस्टोरेंट है यहाँ पे, देखिए अभी आप। तो दोस्तों यहाँ पे हो रहा है हमारा सलाद तैयार, देखिए भाई यहाँ की कुमाऊँ की मूली खाएंगे आज, देखिए इतनी बारीक बारीक मूली होती है यहाँ पे, देखिए कुमाऊँ की, देखिए ये देखिए मूली यहाँ पे छिल चुकी है, देखिए भाई लगे हैं छिलने में। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्याज भी हो चुके हैं, कुमाऊँ के प्याज भी यहाँ पे तैयार हो चुके हैं सलाद के रूप में। देखिए हमारे पायलट साहब लगे हैं ये देखिए प्याज को घुमाने में, ये देखिए आज मच्छी भात खाएंगे कुमाऊँ की, देखते हैं कैसी होती है। तो दोस्तों यहाँ पे हो रहा है हमारा लंच तैयार, आप देख सकते हो अंकल जी लगे हैं, ये देखिए आज कुमाऊँ का खाना खाएंगे पहली बार, ये देखिए बागेश्वर जगथाना गांव का, देखिए अंकल जी लगे हैं तैयार करने में मच्छी भात, ये देखिए, और उनके साथ आंटी जी भी सहयोग कर रही है फुल, ये देखिए। ये देखिए दोस्तों गढ़वाली स्टाइल में पकता हुआ खाना, देखिए गढ़वाली कुमाऊनी स्टाइल में यहाँ पे चूल्हे में खाना पकता हुआ, देखिए ये देखिए शानदार आज कुमाऊँ का खाना खाएंगे मच्छी भात। तो दोस्तों देखिए हमारे यहाँ पे लंच तैयार हो चुका है मच्छी भात, ये देखिए अब सभी ग्रुप वाले खाते हुए, देखिए ये देखिए सलाद है, अचार है, भात है, मच्छी आ रही होगी अभी, देखिए तो दोस्तों देखिए सभी आनंद लेते हुए, देखिए कुमाऊँ का खाना के लिए खाना आता हुआ सब प्लेटें लेके खड़े हैं, क्योंकि नाश्ता हमने गढ़वाल में किया था और हमारा लंच हो रहा है कुमाऊँ में, देखिए ये देखिए सभी खाने का आनंद लेते हुए। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सर जिनके साथ हम यहाँ पे आए हैं कुमाऊँ घूमने के लिए, इनसे जानते हैं किस पर्पज़ से आए हैं और यहाँ ये हमें बताएंगे, पूरी जानकारी देंगे। यहाँ पर आज हम बागेश्वर जनपद बागेश्वर में जगथाना मत्स्यजीवी सहकारी समिति के कामों को देखने हुए और इनसे प्रेरणा लेने के लिए आए हैं कि किस तरह से काम किया जाए जिससे सभी किसानों को एक समन्वित कृषि के साथ साथ इनके मत्स्य पालन, कृषि, उद्यानीकरण, इस तरह के कार्य करने से कितना इनकम होता है। और आज इन्हीं के यहाँ पे मछली का बहुत अच्छा प्रोडक्शन ये कर रहे हैं और साथ साथ ये कृषि कार्य भी कर रहे हैं, तो बधाई के पात्र हैं जगथाना मत्स्यजीवी सहकारी समिति और जनपद मत्स्य प्रभारी बागेश्वर, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि और बधाई के पात्र हैं जो बहुत अच्छा काम इन्होंने जनपद बागेश्वर में कराए हैं। और इससे प्रेरणा लेके जनपद चमोली के किसान भी अपने इस क्षेत्र पर और आगे अच्छा कार्य कर सकेंगे। भाई जी कैसा लग रहा है आपको कुमाऊँ में खाना खाते हुए? बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है। तो दोस्तों देखिए सभी लोग यहाँ पे
ट्राउट का आनंद लेते हुए। देखिए जी कैसा टेस्ट हो रहा है यहाँ की मच्छी का, कैसा लग रहा की मच्छी? में सब कुछ अच्छा ही लगता है, सब कुछ अच्छा है नहीं? मैं आपको एक और बात बताता हूँ, यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, यहाँ पे मतलब यहाँ के लोग जैसे हम लोग हैं सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ के लोग ऐसे कुछ भी सोशल मीडिया से जुड़े नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। देखिए सादा जीवन है, देखिए कुमाऊँ का। तो चंदन भाई हमें एक बात बताइए, यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं है और आप लोग मतलब सोशल मीडिया, हम जैसे कि हम आए हैं चमोली से, हमारे यहाँ पे प्रॉपर नेटवर्क है, नेटवर्क वहाँ पे एक पल के लिए भी जाए सारे लोग बड़े दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, लेकिन आप बिना नेटवर्क के यहाँ पे कैसे रहते होंगे, थोड़ा हमें बताइए। आदत से बढ़ गई ना यहाँ पे रहने की, नेटवर्क नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, रहना ही पड़ेगा ना, रहना तो पड़ेगा। अब ये तो नहीं है कि घर तो छोड़ देंगे, अब रहना पड़ेगा, लेकिन वो ऊपर पहाड़ दिख रहा है, उधर जाना पड़ता है, चढ़ना पड़ता है, थोड़ा मेहनत भी करनी पड़ती है, ऊपर दिख रहा है लास्ट टॉप, यहाँ जाना पड़ता है नेट चलाने। हाँ हाँ, वहाँ जाके फिर नेट चला के तब आना पड़ता है, अगर अर्जेंट काम वर्ग तो अभी जाना पड़ेगा। अच्छा। जैसे अभी मुझे कुछ मेल करना है, कुछ व्हाट्सअप करना है, मच्छी किसी की डिमांड आएगी तो पेमेंट चेक करने के लिए वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा उधर टॉप में। तो देखिए जगथाना गाँव खूबसूरत, लेकिन क्या करें यहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं, और काफ़ी मेहनत करते चंदन भाई। ये देखिए ऊपर पहाड़ियों में चढ़ना पड़ता है चंदन भाई को, और यहाँ से हमने खाना खा लिया है, अब निकल रहे हैं। ठीक है भाई साहब, भाई आंटी जी भाई बाय कर दो। देखिए यहाँ के लोग, जो जगथाना गांव है बागेश्वर कुमाऊँ का, यहाँ के लोग नेट चलाने के लिए देखिए ऊपर उन पहाड़ियों में जाते हैं, देखिए उस पहाड़ियों में चढ़ते हैं। अगर कोई सोशल मीडिया चलाना है, कोई किसी से संपर्क करना है, फ़ोन करना है या नेट चलाना है, कुछ भी करना है, तो ऊपर पहाड़ियों में जाना पड़ता है इनको नेट चलाने के लिए। देखिए कितना कठिन जीवन है कुमाऊँ के इस गाँव का, जगथाना गाँव का। देखिए नेट चलाने के लिए, फ़ोन कॉल करने के लिए भी यहाँ पे ऊपर पहाड़ियों में चढ़ना पड़ता है इनको। दोस्तों अभी हमने जगथाना का ट्राउट फिश फार्म देखा, अब हम जा रहे हैं पिथौरागढ़। ये देखिए हमारी टेम्पो ट्रैवल भी आगे खड़ी है, ये हमारी टेम्पो ट्रैवल, इस पे जा रहे हैं हम। देखिए दोस्तों हमारे सभी साथी बैठ चुके हैं, ये देखिए अभी हम निकलेंगे पिथौरागढ़ के लिए। देखिए सारे सदस्य हमारे बैठ चुके हैं, ये देखिए सारे बैठे हैं, अब हम निकलेंगे कहाँ के लिए भाई साहब? पिथौरागढ़ के लिए। यहाँ पे आपको कैसा लगा? यहाँ बहुत अच्छा लगा है, और जो इनका अभी मच्छी पालन, वहाँ पूरा मच्छी देखा हमने और बहुत अच्छा अच्छा लगा है। तो दोस्तों अभी हम निकल रहे हैं पिथौरागढ़ के लिए, और हम सभी बैठ चुके हैं, जितने भी सदस्य हैं बस में बैठ चुके हैं, और अभी निकल लेंगे पिथौरागढ़ के लिए। देख